सामने खड़े थे, वही हो आप, आओ। जय सियाराम, माइक ले लो। तुम बहुत रो रहे थे, काहे? जय सियाराम, जय सियाराम। आप बहुत धैर्यता से बैठ जाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा माता जी को ले जाओ, वहीं वहीं ले जाओ माता जी, चलो स्वयं चल ले, माता जी को स्वयं चल। हनुमान जी सबकी सुनना, बालाजी सबकी पीड़ा हरना, नाशे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कहां से आए हो? कोटा से। हाँ, राम। अच्छा, हमें जो आज्ञा लगी, जो प्रेरणा लगी, हमने उसको लिखा। आप क्या समाधान उनसे चाहते हो? नजदीक आ जाओ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हमारी भी करना। चलो चलो, रोना। और क्या चाहते हैं? किस मार्ग में क्या बनना है? बस अच्छी होनी चाहिए। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। बहुत विचलित हैं, सफलता पाना चाहते हैं, सफल हो जाएंगे। कोच के माध्यम से ही आप उच्चता पाएंगे, नेशनल स्तर पर कार्य करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आशीर्वाद है। धन की भी बहुत तंगी बनी हुई है। माइक नीचे रखो, कुछ तुम्हारी कमियां भी हैं। कुछ चीजें हम तुम्हें बोल के नहीं, पढ़ा करके कह सकते हैं। ये आपको छोड़ना है, आज्ञा है, आज से ही छोड़ना है, क्योंकि पूरा फोकस दिन ना रात वहीं चला जाता है और दिमाग वहां से हट नहीं पाता है और बार बार वहीं पर घूम जाती, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने बहुत अभाव देखा है, बहुत संघर्ष किया है, यहाँ तक तुम्हें उधार किराया रुपया दे दे करके पहुँचाया है, समझ गए? इसलिए यहाँ तक आने के बाद ये उचित नहीं है, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। आगे चलकर इमोशनली तुम ब्लैक मेल भी हो सकते हो, आज से ही दूर हो जाओ, ये हमारी आज्ञा है। जय सियाराम। इसको हमने मिटा भी दिया। हाँ बहन जी, लगभग हमारे हिसाब से तो पूरा उनका ठीक आया, पेट की दिक्कत पे भी लाभ हो जाएगा, बीच बीच में पैरों की समस्या दर्द हो जाता। नाम रोशन करेंगे, कलेश भी नहीं होगा, आपस में जो तनाव बन जाता वो भी नहीं होगा, और सब मिलकर के रहेंगे पूरा जीवन। और उसके लिए तुम बीच बीच में हनुमान चालीसा का अनुष्ठान घर पर करवाते रहें।